जो खुरम साहब हैं वो डिसेबल हैं, इकरा जो है वो पार्शल ब्लाइंड है, कैसे इनको प्यार हुआ, कैसे इनकी शादी हुई और इस हालत में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को कैसे कंप्लीट किया। ये कुछ मैनेज नहीं करते, इनका घर, इनकी ग्रोसरी, इनका किचन, इनकी वार्डरोब, इनकी लाइफस्टाइल मैं मैनेज करती हूँ, आप क्या मैनेज करते हैं? वो जवाब मैं तो मैनेज करता हूँ। मेरी वालदा ने मुझे कंधों पे उठा के मैट्रिक करवाया, तो मैं उस दर्द को अभी तक महसूस करता हूँ। मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आप लोगों को मेरी खुशी से नजर आ रहा होगा कि आज फिर मेरे साथ एक कपल मौजूद है। इसका नाम है इकरा और इनका नाम है खुरम। खुरम साहब की अगर मैं बात करूं तो ये PhD स्कॉलर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। इकरा की मैं बात करूं तो ये मास्टर किया हुआ है इन्होंने साइकोलॉजी में और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जो खुरम साहब हैं वो डिसेबल हैं, इकरा जो है वो पार्शल ब्लाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि इनको धूप में थोड़ा कम नज़र आता है। लेकिन इनकी शादी कैसी हुई, इनको लव मैरिज है इनकी, मतलब पता है ना। इसलिए मैं इनके पास पहुंची हूँ और इनसे बात करते हैं कि कैसे इनको प्यार हुआ, कैसे इनकी शादी हुई और इस हालत में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन को कैसे कंप्लीट किया और अब माशाल्लाह से एक अच्छी पोस्ट में है। एक दूसरे को देखा, फिर प्यार हुआ, फिर शादी हुई, आए कैसे हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं है। बात ये थी कि हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, फिर हमने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया और चंद सालों बाद इकरा ने रिश्ता किया, क्योंकि मैं लोगों की जॉब्स के लिए एफर्ट करता हूँ, स्पेशल लोगों के लिए, तो इकरा ने भी जॉब के लिए रिश्ता किया था, फिर मैंने इसको पक्की नौकरी दे दी। आपने कैसे मंजूर कर ली ये जॉब कि भाई क्यों पैसे बगैर मैं ये वाली जॉब क्यों करूँ? नहीं, जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया ना, तो मतलब इनका प्रपोज करने का तरीका इतना अच्छा था। और दूसरा क्या था, चांद तारे तोड़ के लाए? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं था। मुझे कि जैसे हम लोग कोई फ्लावर देते हैं या कुछ भी, इन्होंने जस्ट एक तीन वर्ड्स मुझे टेक्स्ट किए थे, गुर्दे फेफड़े निकाल के दे दिए, ड्रामे वाला नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मुझे जस्ट थ्री जो वर्ड्स थे उसमें था कैन वी मैनेज, दैट्स इट। इन्होंने कोई नहीं बोला विल यू मैरी मी, आई लव यू, दैट फर्दर थिंग्स नहीं, कैन वी मैनेज। एंड फिर मैंने 1 or 2 hours बाद इनको यस वी कैन। आपको इनकी क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे इनकी मासूमियत सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट। वो मासूमियत है या अब? हाँ ना, आप पूछें, मैंने इनके साथ रहना है, मैंने इनके साथ रहना है और लाइफ टाइम रहना है, आपने चले जाना है। ये ना हो के बाद में फिर आहो, सेहत भी माशाल्लाह। हाँ देखो वो नज़र आ रहा है, इनकी सेहत देखे और इनकी सेहत देखे, ऐसा क्यों है? मतलब आप माशाल्लाह से मेरी तरह और ये पीते घर में रह रही है, खिलाता पिलाता हूँ, महंगाई के दौर में भी थोड़ा सा खा लिया करें, मैं लगता नहीं हैगा। थोड़ा सा दे दिया करें कुछ खाने के लिए। नहीं एक्चुअली पता भी तो चलना चाहिए कि आई एम द वाइफ ऑफ गजेटेड ऑफिसर। माय गॉड, अब तो माशाल्लाह कितना टाइम हो गया आप लोगों की शादी? 6 साल हो गए। 6 साल अभी तक अभी के 6 साल हो गए। आगे कोई प्लान है काम शादी का? बंदे मैंने तो और पूछा है, ये बंदे के ज़हन में चल ही रहा है दूसरी शादी का। मतलब मेरा आगे ये प्लान था कि प्लान और है क्या? मतलब मेरा प्लान ये था कि मतलब ऐसी खुशी रहना है या अभी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं। और देखो आपके बंदे ने ना उसी टाइम कह दिया दूसरी शादी, कितनी गलत बात है ये। तो वो तो मैं आज इनका दिल देख लिया, तो अब तो क्या आप जब जाएंगे फिर इनको परमिशन भी मिल जाएगी और इनको बाकी और कुछ भी मिलेगा। इसमें मजाक कोई नहीं है, ये आज आपके दिल की बात जुबान पे आ गई। सुकून हो गया? हाँ जी। ये दुआ करना है सारी तुसी होने जाने करूंगी दुआ करना भाई। अच्छा मुझे बताएं कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो शादी से पहले पढ़ी थी या बाद में आके पढ़ी है हस्बैंड को समझने के लिए? बाद में, आफ्टर मैरिज। हाँ करवाइए डिग्री। अब सुकून है और आराम है? पछता रहा हूँ। यकीन करें मेरी ऐसे गर्दन हिलती है ना, इनको पता चल जाता है कि इनका मूड क्या है। मूड स्विंग का तो ऐसे पता चलता है कि फंस गया हूँ। यकीन करें MSc साइकोलॉजी किसी को ना कराएं, स्पेशली भी बेगम को तो बिल्कुल भी ना कराएं। तौबा तौबा तौबा। ये देखो एक्चुअली मैं ना जब से मतलब MSc के बाद से ना मैं इनके आई बॉल भी ऐसे ऐसे होते हैं ना इधर, मुझे पता चल जाता है कि इनके माइंड में, इनके हार्ट में चल क्या रहा है, हैंड मूवमेंट तक पता चल जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं, मुझे फौरन पता चल जाता है। तो इकरा को मैंने साइकोलॉजी इसलिए करवाई थी कि क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल्स की कॉल्स आती होती थी और जो लड़की की जो नफसियात है वो लड़की ही समझ सकती है, तो स्पेशल गर्ल्स की कॉल्स आती थी तो मैं उनकी मेंटेलिटी को नहीं समझ पाता था। तो फिर मैंने इकरा को MSc साइकोलॉजी करवाई ताकि घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है फीमेल्स के साथ, इकरा उनको टैकल कर सके। तो मैंने तो इसलिए इनको साइकोलॉजी में एडमिशन कराया था, लेकिन वो जो साइकोलॉजी मैंने इनको पढ़ाई है वो मेरे गले पड़ गई।
मुझे ये बताया कि तकरीबन माशाल्लाह 6 साल हो गए आलू, ये डरे क्यों हुए हैं? इनको शक्ल कैसे बनाई, इतना डरा के रखती हैं आप लोग? नहीं अच्छा ज्यादा टाइम आ रहा है ना। मुझे बताएं माशाल्लाह से 6 साल हो गए आप लोगों की शादी को, कितना एज डिफरेंस है आप लोगों का आपस में एक दूसरे का, कोई कौन कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा हूँ इकरा से। ये जरूरी था कि लड़की, आप कह रहे थे ना कि लड़की जरूरी है छोटी होनी चाहिए, जो लड़का है वो बड़ा हो, क्यों? बड़े बूढ़े कहते हैं कि जो मर्द होता है ना उसको कम अज कम बड़ा ही होना चाहिए। क्यों? उसने सारा मैनेज करना होता है घर के। ये कुछ मैनेज नहीं करते, इनका घर, इनकी ग्रोसरी, इनका किचन, इनकी वार्डरोब, इनकी लाइफस्टाइल मैं मैनेज करती हूँ, आप क्या मैनेज करते? मैं तो मैनेज करता यार गुजारा कैसे कर रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, जब कभी थोड़ा बहुत कोई मेंटल स्टेट की सेटिंग वगैरह करनी पड़ती तो वो मैं कर देती वो पेचकस वगैरह से ही वैसे ही हो जाती। वैसे हमारे पास टूल्स ही अपने हैं साइकोलॉजी के। यार मुझे तरस आ रहा है सीरियसली, और कुछ नहीं, इसको तरस ही आता है मर्दों पे। तो ये हुआ कैसे था, बचपन से ऐसे थे आप या पहले आप नॉर्मल थे हम लोगों की तरह, उसके बाद कुछ हुआ तो आप इस तरह हो गए? मेरे वालदेन बताते हैं कि 2 साल की एज में ना मुझे पोलियो हुआ था, जो कि मेरी पूरी बॉडी के ऊपर अटैक था, काफ़ी मेडिकेशन करवाई लेकिन जो लेग्स के ऊपर था वो ज़्यादा हुआ, तो लेग सर्वाइव ना कर सकें, तो इस हालत में फिर मैं अब मौजूद हूँ। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने अपने आप को डिसेबल नहीं समझा और मैंने अपने आप को हमेशा एबल समझा है, क्योंकि अगर मैं डिसेबल होता तो शायद किसी चौराहे पे बैठ के मैं भीख मांग रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ, शादी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी अपना है और स्पेशल लोगों के लिए काम भी करता हूँ। यूट्यूब चैनल भी है खुरम खिदमत वाला के नाम से, जिसमें मैं लोगों को सिखाता हूँ कि खुशगवार ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, नौकरी कैसे हासिल करनी है और बहुत कुछ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। इस तरह होने के बावजूद आपने अपनी स्टडी कैसे कम्प्लीट की, मतलब इतना पढ़ लिख कैसे गया? वालदैन ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि मुझे एजुकेशन की तरफ लेके आए। शुरू में तो स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दिया, वालदैन ने मिन्नत समाजत करके एडमिशन करवाया। 3 माह मैं गया हूँ स्कूल, फिर स्कूल से निकाल दिया उन्होंने, फिर वालदैन ने फिर मिन्नत समाजत की, स्कूल के पेरेंट्स, स्कूल के जो ऑनर थे उसके पेरेंट्स से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हम बच्चे को कैसे उठा के इतनी दूर स्कूल में लेके जाएं, तो मोहल्ले वाले स्कूल में एडमिशन फिर दोबारा से करवाया। मेरी वालदा ने मुझे कंधों पर उठा के मैट्रिक करवाया, तो मैं उस दर्द को अभी तक महसूस करता हूँ। मेरे पास व्हीलचेयर नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लोगों को व्हीलचेयर देता हूँ। अच्छा अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको मैंने सुना है कि दिन को धूप में नज़र नहीं आता, ये क्या मतलब, मैंने ऐसी बीमारी पहले सुनी भी नहीं थी, तो ये क्या है, बचपन से आप ऐसे थे या ये कैसे हुआ? मैं बाय बर्थ रेटिनल पिगमेंटोसा, जिसे हम लोग आम आप लोगों की ज़ुबान में पार्शल ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, मैं उसकी डिजेस्ट पर्सन हूँ। तो मुझे दिन में जो है धूप में मैं बिल्कुल नहीं देख सकती, मुझे वाइट जो अपने ब्लैक गोगल्स हैं ना उनका यूज़ करना पड़ता है। और सेकेंडली मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ इसके साथ, ये भी बाय बर्थ है। आइज़ में एक वो पार्ट होता है आयरस, जो कि आपकी आइज़ में कलर्स की डिफ्रेंशिएट करता है, मेरे में वो बाय बर्थ ही नहीं है। कौन से 2 कलर्स आपको नजर आते? ब्लैक एंड व्हाइट। एक बनता है गाना आपकी तरफ से सुना दो, आपसे ज्यादा अच्छी वॉइस, आपका साथ आप गाओ मैं आपका साथ दे दूंगी। ऐसी बंदी होनी चाहिए, ऐसी बंदी यस करो। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, मैनू माफ कर दे तू। करे भी माफिया मांग रहे हैं बेचारे। नहीं एक्चुअली ये खुद ही वाला जिंदगी जंडवा फिर भी कमंडवा। मैं चाह रहा हूँ कि वो बात भूल जाए, वो जो शुरू में कही थी ना, एक्चुअली वो ना बात करके खुद ही फंस गए। लग रहा है मुझे नसीहत जो है ना वो गर्ल्स के लिए है, क्योंकि देखे ना मेरी लाइफ माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे कभी इनकी चेयर और इनकी फिजिकल फिटनेस नज़र ही नहीं आई। 15 अप्रैल 2017 को हमारी शादी हुई है, आज की आप
इनके ईयर का सन देख रहे हैं। मुझे आज तक अभी इनकी ये दो चीज़ें नज़र नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें पर्सनली कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी ये मैं जिस घर में बैठी हूँ यहाँ पे ये खुद रह रहे हैं, और इसके ऊपर ये लोग उन लोगों के लिए घर बना रहे हैं जो लाहौर आते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, शेल्टर होम वगैरह उस टाइप का, जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, वो यहाँ पे आके ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने सुना था कि जो ये जो डिसेबिलिटी होती है ये मेंटली होती है, आप फिजिकल डिसेबल नहीं होते। आज मैंने देख भी लिया इन दोनों को देख के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, कपल जो है वो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। माफी, स्लिप ऑफ टंग।